नमस्कार, मेरा नाम हुआ स्वप्नेश सुस्कर और इसी महाराष्ट्र के अंतर्गत खूबसूरत सा जिला है बीड, वही से बिलोंग करता हूँ। बात करें इस बिजनेस में आने से पहले की, हर इंसान की शुरुआत पढ़ाई लिखाई से होती है, वैसे ही मेरी जिंदगी की शुरुआत पढ़ाई लिखाई हुई। ज्यादा कुछ नहीं दोस्त, बीएससी थर्ड ईयर का सोन था और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। जैसे आपको ये बिजनेस देखने का मौका किसी भाई या रिलेशन के माध्यम से मिला, वैसे ही ये बिजनेस देखने का मौका मुझे मेरे क्लासमेट के माध्यम से मिला और आया बीसी क्लास देखा। और इस बिजनेस में मुझे दो ही चीज अच्छी लगी थी, एक पहली थी राम बजाज की कहानी और दूसरी थी कंपनी का जैविक खाद। एक चीज देखने के बाद मैंने बिजनेस ज्वाइन किया और कंपनी की डेली बाय डेली ट्रेनिंग अटेंड करता गया। और ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी ली, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने यूज किए और उनमें से मेरा फेवरेट जो भी प्रोडक्ट था तो एक पपाया फेस वॉश था और दूसरा हर्बल शैम्पू, ये मेरे फेवरेट प्रोडक्ट थे। साथ ही साथ मैंने बिजनेस प्लान क्लियर कराया और बिजनेस प्लान मेरा क्लियर होने के बाद मैंने टीम बनाई और टीम बनाने के बाद मेरा अच्छा नेटवर्क भी बना। लेकिन वो दिन आ गया जिस दिन हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हमारे सबके सामने आए और उन्होंने घोषित किया कि कल से लॉकडाउन होने वाला है। और ये बात सुनने के बाद हमारे मन में बहुत सारे डाउट आने लगे, लेकिन हमने लॉकडाउन आ गया, हम सब घर आ गए, मेरी टीम भी घर आ गई, जैसे आप भी घर आ गए। घर आने के बाद मेरे मन में बहुत सारे डाउट आने लगे कि अब मेरा करियर का क्या होगा, अब मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो ये डाउट आने के बाद बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ गया। तो बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ने के बाद मैं मेरे स्पॉन्सर के पास गया और स्पॉन्सर को बोला अब इसके बाद हमारा करियर क्या है। तो स्पॉन्सर ने मुझे कहा कि भाई मैंने तुझे बिजनेस में लाया था और अब मैं ही कह रहा हूं आगे आपका ग्लेज में फ्यूचर नहीं है, आप बाहर जाके किसी डिग्री करो, बाहर जाके आप काम करो, ग्लेज में मत काम करो, अब मुझे नहीं लगता आपका सक्सेस हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत मैं नर्वस हो गया, मुझे बहुत बुरा लग गया। लेकिन मैंने वो दिन मुझे याद आ गए, मैंने 11वें में 2 साल दिए थे और वो साल मुझे आ गए और रूम सिस्टम आ गई जिस दिन मैंने खाना खाया था, जिस जैसे मैं रहा गया था, वो दिन मुझे याद आए। और वो दिन याद आने के बाद उस दिन की वजह से मैं 11वें में टिका था, वो दिन मुझे याद आए और मैंने सोचा कि भाई मुझे काम करना है तो 11वें में ही काम करना है। और वो दिन याद आने के बाद मैंने ऑप्शन नहीं रखा, मुझे काम करना है तो 11वें में काम करना है। फिर मैंने ट्रेनिंग अटेंड करता गया, जो भी कंपनी के प्रोडक्शन है उसके बारे में जानकारी लेता गया, जो भी कंपनी की डेमो है, डेमो कैसे देना है उसके बारे में जानकारी लेता गया। और जानकारी लेने के बाद मैं मेरे डाउनलाइन मेरे टीम को फॉलोअप करता गया और जो भी मेरे डाउनलाइन है उन्होंने भी मुझे अच्छा सपोर्ट किया। मैंने टीम फॉलोअप करने के बाद मेरे कुछ ऐसे डाउनलाइन है उसके घर में गया, वहां पे जाने के बाद हमने 11वें ड्रीम कॉर्नर ओपनिंग की। उनके घर में जाकर मैं 10-15 दिन रुका, वहां पे जाने के बाद उनके नजदीक के जो भी सिटी है वहां पे हमने विजिट दी। विजिट देने के बाद बहुत सारे लोगों को हमने केमिकल का डिफरेंस बताया, रासायनिक और जैविक का डिफरेंस बताया और बहुत सारे लोगों को हमने प्रोडक्ट दिया, डेमो दिया और बहुत सारे अच्छा काम किया। ऐसे करने के बाद दिसंबर मंथ में मेरे ऐसे कुछ डाउनलाइन है जैसे सुनील पवार सर है, दत्ता कवड़े सर है, प्रवीण आंदळे सर है, हम तीनों ने अच्छा मेहनत किया और अच्छा मेहनत का यही नतीजा निकला कि दिसंबर मंथ में मेरे पूरे टीम ने 16 सेल किए। लेकिन मेरा बिजनेस प्लान अच्छा क्लियर नहीं होने की वजह से मेरा वहां पे नुकसान हो गया। लेकिन मेरे कुछ ऐसे डाउनलाइन थे उनका 5000, 6000, 7000, 8000 तक अच्छा इंसेंटिव हो गया। मैं फिर वहां पे नर्वस हो गया। फिर मेरे अप्लाई ने चंपोती सर है, सुहास सर है, राम मिटकर सर है, शिवाजी सर है, उन्होंने मैं उनसे प्लानिंग ली, उनसे बिजनेस प्लान मेरा क्लियर किया। और बिजनेस प्लान क्लियर करने के बाद फेब्रुवरी मंथ में कंपनी की ऑफर आई और ऑफर ऐसी थी कि जो भी इंसान 6 डायरेक्ट करेगा उसका 10000 रुपए इंसेंटिव आ जाएगा। तो ये ऑफर सुनने के बाद मैंने सोचा कि पिछले बार मेरा मौका हाथ से छूट गया था लेकिन ये मौका मैं हाथ से नहीं छुड़ाने वाला। और फिर मैंने मेरी लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद जो भी नजदीक के गांव के, आज मैं और मेरे डाउनलाइन मेरे गांव में काम करते हैं, मेरे गांव में 70 से 80 लोगों को हमने डेमो दिया है। हर गांव में, मेरे गांव में बहुत सारे लोगों के कुछ ना कुछ 11वें का प्रोडक्ट यूज करते ही करते है। हमने वहां पे डेमो दिया, विजिट दिया, नजदीक के गांव में भी हमने विजिट दिया और इसी मंथ में मैंने 6 डायरेक्ट मारे। और 6 डायरेक्ट मारने के बाद मेरा इसी मंथ का इंसेंटिव आ गया, फेब्रुवरी मंथ का इंसेंटिव आ गया 6 डायरेक्ट मारने के बाद 15753।
15753 इंस्टीट्यूट आने के बाद मैं यहाँ पे खुश हो गया, मोटिवेट हो गया, क्योंकि मेरी मेहनत का मुझे फल मिल गया। फल मिलने के बाद मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो इंसान काम करता है उसे फल मिलता है। और आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कल 11वें में चेंजिंग होगी तब हम देखेंगे, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपने एग्जांपल, आपको मालूम है कि नोकिया मोबाइल, एंड्रॉयड का जमाना आ गया और नोकिया मोबाइल ने खुद के अंदर वैसी चेंजिंग नहीं की और मार्केट में नहीं टिका। तो वैसे ही मैं बताना चाहूंगा कि जो इंसान खुद के अंदर चेंजिंग करेगा वही मार्केट में टिकेगा, वही जल्दी कामयाब बन सकता है। तो मेरा 2 साल का टारगेट है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के मैं हर जगह पे जाऊंगा, डेमो दूंगा और हर हर गैलवे, घर घर गैलवे। थैंक यू।